मन में ये सवाल है, आपने जो देखा है इस शख्स को, अपनी आप बीती बताइए, अतीक अहमद कैसा आदमी था? जी इंद्र जी, देखिए कैसा आदमी है ये बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग भी पैनल में हैं वो खूब अच्छी तरह जानते हैं वो कैसा आदमी है, इसमें किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। राजनीतिक बात लोग कर रहे हैं, इसका मेरा कोई लेना देना इससे नहीं है। मैं अपनी आप बीती बात बताऊं कि वर्ष 2016 में मैं यही एसएसपी था लखनऊ में, और राजशेखर साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। बात ये 14 अगस्त 2016 की है, पीजीआई के पास एक बड़ी पीस ऑफ लैंड पे एक यहाँ के बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी हैं जिनका शोरूम है सुगना मल के नाम से, उसके मालिक हैं सुशील गुरनानी जी। उनके उस लैंड पर, उनकी उस जमीन पर 10-15 गाड़ियां आई जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, उसमें सारे असलहे वाले थे, कुछ बिल्डिंग मटेरियल गिराने लगे। अतीक अहमद स्वयं मौजूद थे। अगल बगल वालों ने सुशील गुरनानी को फोन किया, क्या साहब आपने मकान बनवाना शुरू किया? उन्होंने कहा नहीं। तो बोले यहाँ तो इतनी भीड़ है और पता नहीं कितनी यहाँ राइफलें हैं बंदूकें हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं बनवाया, ना मेरे से कोई मतलब है ना मुझसे किसी ने पूछा। वो बेचारे भाग के मौके पर पहुंचे, उनको वहां से धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया कि होगी रही होगी तुम्हारी जमीन ये, लेकिन अब ये हमारी जमीन है। वो डर गए, उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को फोन किया, उन्होंने मुझे बताया और मैंने फिर उनसे कहा कि आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। वो बेचारे आए, लेकिन जो बाहर से स्लिप लिख के जो हमारे पीआरओ या जो बाहर बैठे होते हैं पुलिस वाले, उसमें उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा, केवल केयर ऑफ उस अधिकारी का नाम लिखा जिन्होंने मुझे फोन किया था। तो मैं नाम से भी उनको नहीं बुला पाया। जब वो आए मैंने कहा भाई नाम क्यों नहीं लिखा? वो इतना घबरा गए, उन्होंने कहा साहब यहां पता नहीं कौन ये बता दे कि मैं आपसे मिलने गया हूं और जो मैं मंजर देख के आ रहा हूं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी आप लोगों से मिलने की। बहरहाल मैंने एसओ को फोन किया, विनोद यादव उस समय एसओ था, आज भी कहीं वो इंस्पेक्टर इंचार्ज है बाराबंकी।